शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वर कन्या आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए। पंडित जी रुकिए रुकिए, बेटा सुबोध जाओ जाओ जाओ। ठीक बाबा। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे फेरे थोड़ी होते हैं, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। पंडित जी उस्ताद विश्वास की बेटी की शादी है, मोटरसाइकिल पे फेरे हो गए, मोटरसाइकिल पे। बढ़िया मंत्र। ओ पंडित चुपचाप से शादी करा दे, नहीं अपने बच्चों की शादी कराने लायक ना रहेगा तू। जी फेरे शुरू कीजिए। ओम तदेव लग्नम शुदिनाम तदेव। हिला दो, भून के रख देंगे। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस फोर्स जब से ज्वाइन किया है एक बार ये डायलॉग बोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए निर्दोष भरोसे की धतिया उड़ा दी इसने। तो सब तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे, हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पर पता है दुख हमें इस बात का नहीं है कि तुमने हमें धोखा दिया, दुख हमें इस बात का है कि तुम जैसे लोगों की वजह से वो लोग सही साबित हो जाते हैं जो इंसानियत और जज्बातों में भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि तुम उन्हें सच साबित कर देते हो और हम जैसे लोग फिर जज्बाती इमोशनल बेवकूफ लगने लगते हैं जो तुम जैसे झूठे लोगों की बातों में आकर तुम्हारी असली मक्कारी का शिकार हो जाते हैं। इस बात का हमें ज्यादा गुस्सा है। ना ना मैडम, ऐसी बात ना है। वैसे आपका नजरिया भी सही है, गलत ना है। मैंने आपके साथ धोखेबाजी की, लेकिन एक बार आप उसकी वजह जान लेंगी ना तो आप समझ जाएंगी कि वो मेरी मजबूरी थी, मर्जी ना थी। धोखा देने के लिए कोई भी वजह मायने नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कही मैडम, पर मजबूरी के झूठ का वजन तो कम हो सके ना। और एक बार आप वजह जान लेंगी ना तो मेरा धोखा इतना बड़ा गुनाह ना लगेगा आपको जितना इस वक्त लग रहा। अच्छा मतलब एक और कहानी, एक और प्रपंच, एक और झूठ। हाँ क्या वजह है बताओ। मैडम सर क्या आप भी फिर से। एक मिनट हम बात कर रहे हैं ना, वजह बताओ। मैं बताता हूँ, ये रिमझिम है। मैं और रिमझिम आपस में बहुत प्यार करते और ये मेरे गुरु विश्वास जी की बेटी। क्या? इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी, अगर मैं इस शहर से 7 दिनों में 7 एक ही कंपनी की बाइक चुरा लूंगा तो ये अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ, पर सब फसाद की जड़ यही है। इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना ये मैं सब बाइक्स नहीं चुरा था। मतलब तुम ये चोरियां जबरदस्ती कर रहे थे? जी गुरुजी। अरे भाई को प्यार दिलान खातिर मैंने मजबूर होकर इसका साथ दे दिया मैडम, पर कसम खा रहे हो मैडम, शादी होने बाद ना मैं खुद को सिलेंडर करने आने वाला था। मैडम जहां बजाय लालच ना है प्यार है। अब फैसला मैडम आपका है, आप इस अपराध को कानून की नजर से देखे हो कि जज्बात की नजर से। लीटर नींबू पानी पीने के बाद भी इनका यही हाल है, बेहोश हुई पड़ी। करीना जी उठिए ना। हाँ पुष्पा जी, क्या बाइक मिल गई? मिल गया? हाँ, क्या बाइक मिल गया? अयो अम्मा, अब मैं थोड़ा रिलैक्स बेहोश होता। चिंता कोई बात नहीं संतु जी, इस बार खुशी के मारे बेहोश हुई है। हमने पहले भी कहा है, मंचा चाहे जो भी हो, कानून की नजर में जो गलत है वो गलत है। हाँ हम ये बात जरूर मानते हैं कि तुम दोनों बालिक हो, एक दूसरे से शादी कर सकते हो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुमने 6 बाइक्स चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है और तुमने इस गुनाह में इसका साथ दिया है, इसलिए कानून की नजर में तुम दोनों मुजरिम हो। हमारा काम है तुम्हें अरेस्ट करके तुम पर केस फाइल करना, बाकी आगे ऑनरेबल कोर्ट जो सही समझे। बिल्कुल सही फैसला लिया मैडम आपने, मुझे इस पाप की सजा मिलनी चाहिए ताकि मेरी आने वाली जिंदगी इस बोझ के साथ ना रहे कि मैंने इतने सारे पाप किए, और जेल से निकलने के बाद मैं अपने भाई निर्दोष की तरह एक निर्दोष जिंदगी जी सकूं और एक इज्जत के साथ आने वाला समय व्यतीत कर सकूं। मेरे पापा ने जो ये शर्त रखी वो बिल्कुल गलत थी मैडम सर, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ऐसी वाहियात शर्त रखने के लिए। मैडम सर
मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ, मुझे भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। और पापा आप यही सुखी जीवन के लिए कामना की थी आपने मेरे लिए, आज आपकी जिद की वजह से आपका दामाद जेल जा रहा है। अब बोली कहाँ जाऊं मैं, हर बाप अपनी बेटी को शादी के बाद ससुराल भेजता है, लेकिन आप तो मुझे जेल भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो ऐसे गुनाह के भागीदार हूं ना। चलिए रुक जा बेटा, तू कैसे जाएगी? हाँ गुनहगार तो मैं हूं, आज से ये चोरी सिखाने का कोच बंद बेटा। हाँ और मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं, बंद कर दीजिए मैडम मुझे। एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, उसे तुम जेल में होना चाहिए मैडम। माफ करना बेटा, माफ करना मेरे बच्चे। बहुत सुनी थी आपके थाने के जज्बातों की जादू की छड़ी के बारे में मैडम, आज देख भी ली आपने, हमारे पूरे परिवार को सही रास्ता दिखा दिया। आपके लिए मैडम जे तो बने हैं। गैरू, तुमको एप्पल खाना? नो नो, हीट में कुछ नहीं खाना। हीट? हाँ गर्मी लगता। गर्मी लगता? एक मिनट। वाओ बिल्लू बस, तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखते रहो, मैं तुम्हारा लाइफ बनाता। वाइफ बन जाओ, लाइफ बन जाएगी। कुछ बोला? नहीं, वो दिल की अरमान आवाज के जरिए बाहर निकलते रहते। करू तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझे चेन्नई लेके जाना और वहाँ का सुपरस्टार बनाना। ओ यस यस, पक्का बनाना। पिंकी प्रॉमिस? Pinky promise. Oh my God. Oh, sorry. What? My lychee juice. Lychee juice? मैं भूल गया। लेकर आता। लेके आता, लेकिन मैं पहले चेन्नई जाता। रजनी सर, कमल सर, प्रभु देवा। चेन्नई में धक्का मारता। ये तो लखनऊ है। मैं लीची जूस लेकर चल निकल। लीची जूस। लगता है इसको भी गलत फहमी हुआ। का हुआ? एक का सोच रही हो? पहचानी नहीं का? अरे हमें हम, वो का कहते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। लखनऊ में साथ थे ट्रेनिंग में, एक ही क्वार्टर में रहते थे। रमा 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 करू, जिगरी है भाई तुम्हारे। इसको देख रही हो? आई ये हमारा बहुआ है। बहुआ? ये करियम्मा का कोई पुराना फ्रेंड। हाँ किया तो और चिपकेगा और सवाल करेगा। मैं ज्यादा बोला तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे को समझ रही है मैं वो नहीं, मैं तो डुप्लीकेट। निकल इधर से, कह रही रन रन रन। का हुआ? वो मैं पुलिस ऑफिसर ना, मैं ड्यूटी पर होता। बहुत काम, बहुत वर्क ओवरलोड। आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारा बेबी सो क्यूट। बहुत बिजी होता तो मैं बाद में मिलता। बाय। रुके, ये इसका परिचय तो होने दीजिए। हमारा बहुआ है, हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं रोज यहाँ पे सदर बाजार में, 5 बजे जाते हैं रोज। थोड़ा रुक जाओ ना, बात करेंगे। ये पकड़ बेटा। अरे मैं बोला ना मैं बिजी होता, मैं यहाँ बैठ के ये स्टुपिडिटी नहीं कर सकता। अब मैं ड्यूटी पर, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ गॉसिप करूं कि वहाँ जाके क्रिमिनल को पकड़ूं? सोचो, थिंक। ओके बाय, बाद में मिलता। सुनो सुनो सुनो, करू तुम किधर? मैं पार्लर जाके आया। लड़की मेरे को चिपकता। लड़की चिपकता? इरिटेट करता। बार बार फ्रेंड फ्रेंड बोल के मेरा ब्लड पीता। तुम्हारा ब्लड पीता? हाँ।
हाँ, मेरे सलून का अपॉइंटमेंट, तो मेरे जूस लाया? हाँ, लाया ना, जूस लाया। मैं ऑक्सीजन के बिना रह सकता, पर अपना सलून और अपना जूस के बिना नहीं रह सकता। मैं भी ऑक्सीजन बिना रह सकता। चलो, 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 चलो। चलो आगे, चलो चलो, तैयार हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि हीरो को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और फिर एक गुंडा हीरो के ऊपर गोली चलाता है। गोली चलाएगा, हम जाके बचाएंगे और हम घायल होता है ना? नहीं मैडम, गोली आप पकड़ लेती हैं। एक मिनट, नहीं मतलब क्या, गोली पकड़ लेती है मतलब? अरे आप गोली हवा में पकड़ लेती हैं। एक मिनट, पिस्टल से निकली हुई गोली हम हवा में हाथ से पकड़ लेते हैं? नहीं मतलब गोली है कि फिर मच्छर है? ओ कम ऑन कैरी, बिजली रानी के लिए तो मच्छर ही है। हाँ ऑफ कोर्स, बिजली रानी तो कुछ भी कर सकती है। ट्रस्ट मी, बिजली रानी जब गोली पकड़ेगी ना, कितना कन्विंसिंग सीन लगेगा स्क्रीन पे। विजुअल इफेक्ट्स भी है, सब हो जाएगा। चलो टेक करते। नहीं सर, मतलब गोली। मैडम मैडम, मैं हूँ ना द ग्रेट डायरेक्टर यश कपूर। आधी इंडस्ट्री को मैंने स्टार बनाया है, भरोसा रखिए। चलिए टेक करते हैं, तो फिर आपकी एंट्री वहां से होगी, ठीक है? चलो टेक करते हैं, रेडी? चलो चलो, एनर्जी एनर्जी, टेक करते हैं। पोजीशन, कैमरा, एन एक्शन। अरे फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। एक मिनट, नहीं नहीं, हवा में चला ना, तो हवा पकड़ के किसको लगता है, एक्टिंग करना था ना। अरे यार, अरे बेबी समझ नहीं रही हो, चिल्लाना नहीं है। का? बिजली रानी को दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली रानी के लिए तो ये गोलियां गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, यू नो? हाँ, गुलाब जामुन। हाँ, ये गोली तो विलन के लिए है, तुम्हें गोली को पकड़ना है और विलन की तरफ घुमा करके वापस मारना है, फिर गोली लगेगी इसको और फिर गोली विलन को सीना चीरते हुए निकल जाएगी और विलन डेड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गोली है वो, गोली होता वो, गोली पकड़ के घुमा के विलन पे मारता और विलन मर जाता, हमको कुछ, हम ये नहीं हो सकता है हमसे। मतलब गोली जब लगता है तो टुकड़ा टुकड़ा होता है हाथ का, कभी खाया गोली हमने? हमें हमें हमसे नहीं हो सकता ये बकवास, हम नहीं कर सकते ये। कपूर, यू डिसाइड फर्स्ट कि करना है शूटिंग या नहीं करना है, ओके? मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये क्या है बेबी, जब स्क्रिप्ट सुनाया था तो तुमने कहा था माइंड ब्लोइंग, और अब कह रही हो कि ये नहीं होगा बकवास। देखो मैं ये कहना नहीं चाहता, बट तुम्हारा डे बाय डे ये क्रिएटिव इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। यार मैं डायरेक्टर हूं, हमको हमारा काम करने दो। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, करना पड़ेगा, वरना तुमको इस फिल्म से निकाल करके किसी दूसरी हीरोइन का ऑप्शन देखना पड़ेगा। 10 मिनट देता हूं, सोच लो फिर बताना, फिर टेक करते। चलो प्यारी करू, बहुत सारे प्यारे पल साथ बिताए हैं पुलिस ट्रेनिंग में, तुम वो सारे पल भूल सकती हो पर हम नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा तुमको अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझे रहे, पर आज जिस तरह का रूखा अजनबियों वाला बर्ताव तुमने हमारे साथ मार्केट में किया, अच्छा नहीं लगा हमको। समझते हैं बड़ी पुलिस अधिकारी हो गई हो, व्यस्त हो, अब कहाँ समय होगा तुम्हारे पास हम जैसे पुराने भूले बिसरे दोस्तों के लिए। ये हमारा आखिरी मैसेज है, ऑल दी वेरी बेस्ट, खुश रहो, खूब खूब तरक्की करो, हमेशा तुम्हारा भला चाहने वाली तुम्हारी दोस्त रमा। कहीं ये करीना से तो नहीं मिली? ये करीना से मिली होगी और उसको लग रहा होगा कि हम हैं, पर करीना ने ऐसा क्या कर दिया जो रमा इतना इतना नाराज हो गई है हमसे? कॉल करते हैं उसको। हेलो हेलो, हम करू बोल रहे हैं। करू, कैसी हो तुम? अच्छा, हम कैसे हैं? सूझ गया तुमको पूछना हम कैसे हैं? क्या कह रही थी बाजार में, हम तुम्हारे गले पड़े जा रहे हैं? नहीं नहीं सुनो, मतलब हमें ही पड़ी है, हम ही मरे जा रहे हैं क्यों पूछने के लिए कि तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है ना कि हम कैसे हैं? अरे भैया अब कहाँ पूछने वाली हो,
पुलिस वाली हो गई हो। SI करिश्मा सिंह, लखनऊ का भोकाल। वाह, अब कहाँ पुराने दोस्त तुम्हें याद आएंगे। रखते हैं। रमा रमा रमा, सुन सुन, फोन मत करना। हमने तुम्हें इसीलिए ही फोन किया है, ये बताने के लिए कि तुम जिससे मिली थी वो हम नहीं थे, हमारी जुड़वा बहन थी। जुड़वा बहन? हाँ, वो जो बचपन में थी वो। हाँ, जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारी जुड़वा बहन है, वही थी, वही तुमसे मिली होगी, हम नहीं थे। अगली हम होती तो तुम्हें गले से नहीं लगा लेते। कितना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम कितना याद आती हो। जान हो बे तुम हमारी, समझी? कहाँ हो तुम अभी? हम आ सकते हैं कि तुम्हारे पास? रमा, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है भाई, जल्दी करो। वो हम जरा बिजी हैं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सुनो, तुम बहुत नाराज लग रही हो, हमें तुम्हें आके मनाना है, गले से लगाना है, बताओ हम कहाँ मिलने आ सकते हैं तुमसे। हम कह रहे हैं ना, हम बिजी हैं, बढ़ते हैं बाद में। हम नाश्ता करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये तो बताइए आप किससे बतिया रही थी। अरे बबुआ, ये बिल कब भरोगे तुम, बिजली का? अरे अम्मा, भर देंगे, घबराइए मत। अच्छा रमा, तुमने बताया नहीं किससे बतिया रही थी तुम। हैं? फोन पे बतिया रही थी? हाँ। किससे बतिया रही थी, कहाँ बतिया रही थी? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी सहेली का फोन था, वो जो लखनऊ में रहती थी ना, अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो बस हमारी तबीयत पानी पूछ रही थी। तबीयत या पानी? तबीयत सासू जी। तो पानी पूछ लेती। सासू जी, पानी का कैसे पूछेंगी? हाँ, पूछना चाहिए ना, बारिश इतनी हो रही है, किसी के घर में पानी घुसा है कि नहीं। सुनिए ना, हमारी सहेली बहुत दूर से आई है, हमसे मिलना चाहती है, आप अगर हमें परमिशन देंगे ना, तो हम बस जल्दी जाएंगे और मिल के आ जाएंगे। अम्मा बताओ, बताओ, बताओ। बताते, बताते, बताते। अरे तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए निकलना है। अच्छा, वो आपने कहा ना, बताते हैं। अरे अम्मा बोली ना पगली, बताते हैं। हाँ। बताते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रहा है, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। हाँ। चल 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 चल। बहुत नाराज है रमा, और ये सब उस मेले की झांकी की वजह से, उस हीरोइन की वजह से हुआ ये सब। छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको, आज हम करेंगे उसका पाकअप। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अयो मां, पुलिस पुलिस पुलिस, बचाओ मेरे को, बचाओ, वो हथियार लेके मेरे को मारने आया। क्या? एक मिनट, एक मिनट, आप एड्रेस बताइए अपना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। चीते, चीते। का हो गया संधू जी? गाड़ी निकाल फटाफट, इमरजेंसी। अरे का हुआ बताइए, मैं रास्ते में बताती हूँ। का हुआ संधू जी? शर्मा, अब हमें फोन क्यों कर रही हैं? और मैडम साहब थाने में ही है, मैं तो भूल गई, इमरजेंसी, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, इमरजेंसी। लेकिन कैसे? संधू जी, एक मिनट, आप हमें ये बताइए की इमरजेंसी क्या? आप जाइए, आप दोनों बाहर जाइए। मैडम सर, एक लड़की का कॉल आया है, उसकी जान खतरे में है। हाँ? क्या? उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन वो कातिल हथियार लेके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, हमें जाके उसकी जान बचानी होगी। कौन है, नाम क्या है, उसको पता क्या है? नाम नहीं पता, लेकिन पता है। क्या? एड्रेस है 4/5/1 मंगल मार्ग, मालवीय नगर। 4/5/1 मंगल मार्ग, 4/5/1। अरे ये तो हमारे घर का पता है। क्या? हाँ, मालवीय नगर। फिर तो करीना ने फोन किया है। जल्दीबाजी में आपके समझ में नहीं आया ना? उफ, ये मासूमियत, मासूमियत के रोल मॉडल नहीं है, कोई और है। वो हड़बड़ाहट में उसके एक्शन के बारे में पता नहीं चला, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संतोष जी, होता है, चलिए चलिए, सॉरी सॉरी मैडम। आई आई आई, उफ, पता नहीं कौन से जन्म का बैर निकाल रही है करिश्मा जी उससे। अरे भाई हाँ, हो गई ना गलती, उसकी सजा पूरी जिंदगी भर देगी क्या उससे? पता नहीं अब ये कौन सा नया झमेला खड़ा हो गया है घर में। हमें ना करीना के लिए डर लग रहा है, कहीं करिश्मा जी उसे पीट पिटाना दे। अरे नहीं पुष्पा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह सिर्फ दिखाती हैं कि वो बाहर से बहुत कड़क है, बहुत सख्त है, लेकिन आप भी जानती हैं कि वो अंदर से कितनी नर्म और जज्बाती हैं। वो मानेंगी नहीं इस बात को, लेकिन करीना की सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी को है तो वो करिश्मा सिंह है। और वैसे भी दो बहनों का मामला है ना, निपटा लेंगे आपस में, आप क्यों टेंशन ले रही है? ठीक है, आई इतना स्ट्रेस दे दिया। सासू मैया, बचो, कितना बचोगी तुम? तुम्हारा मार मार के आज मुनी सुझा देंगे ना हम, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझी तुम?
आज निकालते तुम्हारा सारा हीरोइन गिरी तुम्हारी तो तुम्हारी तो बहुत बढ़िया चलाओ तुम चक्कू चलाओ तुमको ना ऊपर पहुंचाएंगे हम और सेल्फ डिफेंस का केस बनाएंगे समझे तुम चलाओ चलाओ तुम चाकू से तेज नहीं हो सकता मैं चाकू चलाएगा मैं हर जगह मारेगा तुमको माई अन्ना की स्टाइल में चाकू चलाएगा करीना तुम ठीक हो अयो मैं देखो तुम्हारा वन ब्लड का ब्लड निकल तो मम्मा मम्मा काहे गिगी आ रही हो जरा सा लगा है तलवार आर पार नहीं हुआ और एक तुम टिक के बैठो हमारे सामने तलवार चलाओगी तुम तलवार और तुम्हारा वो क्या करती हो तुम नेल फाइल उसमें फर्क होता है नेल फाइल और तलवार में समझ रही हो एक्शन हीरोइन तुम बनोगी बचपन से ही तुम ऐसी हो एकदम जिद्दी अक्ल से एकदम पैदल जड़ बुद्धि लगा लिया ना अब खुद को जब नहीं होता है तो काहे फैंटम बनती हो तुम इतना हाँ क्या हुआ आराम नहीं मिला दर्द हो रहा ठीक लगता मौत के कंटाप मारेंगे कॉकरोच की तरह यहाँ फड़फड़ाओगी अभी तुम समझी तो तुम शूटिंग छोड़कर आता तुम वापस जाओ वरना सब गड़बड़ होता नहीं जाएंगे हम शूटिंग पे क्यों क्यों तुम प्रॉमिस किया था ना और तुमने जो प्रॉमिस किया उसका क्या हमारी बचपन की दोस्त के साथ जो तुम इतना रूखा व्यवहार कर आई हो उसका क्या वो मार्केट में मिला था अयो चेपू लेडी चेपू चेपू हमारी बेस्ट फ्रेंड है समझी तुम बचपन से हमारे साथ रही है वो उसने हमारा बहुत साथ दिया है और तुमने क्या किया उसके साथ तुमने हमारे साथ किया होता ना एक बार को हम तुम्हें माफ कर देते लेकिन तुमने हमारी सहेली के साथ जो किया ना उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और इसका सजा तो तुमको अब भुगतना ही पड़ेगा समझी मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक होता हवा भरती रहो तुम और बिल्कुल रुकना नहीं समझे नहीं तो तुम्हारी हवाबाजी निकाल देंगे हम यही की यही कितना बार सॉरी बोलता 100 बार व्हाट हाँ तभी हम जाएंगे तुम्हारा शूटिंग पे और तुम सोच लो कि यहाँ हवा भरनी है या अपनी फ्यूचर का हवा निकालना है तुम्हें अपनी पिक्चर से आउट होके सोच लो तुम इतना ऑक्सीजन तो पूरा अर्थ पे नहीं होता मैं कहां से लाता इतना हवा करिश्मा सिंह ये क्या करवा रही है आप इससे क्या हो रहा है ये जय हिंद मैडम सर जय हिंद जय हिंद जय हिंद क्या क्या है ये मैडम सर इसने जो किया ना ये इसका सजा है इसके लिए इसको ना भूखे शेर के आगे डालना चाहिए मैं होता मैं हवा भरती रहो तुम रुकना नहीं चाहिए मैडम सर करिश्मा सिंह हम मानते हैं कि इससे गलती हुई है पर आप भी तो एक और गलती करने जा रही हैं आपको फिलहाल करीना की शूटिंग पर होना चाहिए अब आप जानती हैं अच्छे से कि अगर इसके हाथ से फिल्म निकल गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मैं अपना जान दे देगा अच्छा तो फिर हम तुमको खुद ही फेंक कर आते हैं छत से चलो नहीं गुरुजी 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 हाँ 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 सुना हमने सब सुना हाँ क्या फर्क पड़ता है इनके सीने में दिल थोड़ी ना पत्थर है पत्थर ये बेचारी जिए या मरे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता बस अपने अहंकार का डंका बचता रहना चाहिए आपको क्या पता पुष्पा जी कि इसने क्या किया है बताए हमें सब पता है बताया हमें संतू ने आपकी सहेली रमा के बारे में क्या करती बेचारी मैडम सर ये वो ना इससे चिपके जा रही थी उसे पीछा छुड़ाने के लिए किया ना इसने सब कुछ वरना पूरे शहर को पता चल जाता कि शहर में सीता और गीता चल रही है दो दो करिश्मा सिंह घूम रही है वही तो हाँ और इस तरीके से सजा देने से आपकी और आपकी सहेली के बीच की गलतफहमी तो दूर नहीं होगी ना वही तो तुमको पता भी है कि रमा हमारे लिए क्या मायने रखती है पुष्पा जी ये जो वर्दी हमारे ऊपर है ना ये सब उसी की देन है उसका कर्ज है हमारे ऊपर जब ये मैडम को कुछ बनने के लिए मुंबई जाना था ना जब ये पैसे लेके भाग गई थी तब एक रमा ही थी जो टूटते हुए विश्वास को हमारे टूटते हुए आत्मविश्वास को संभाल रही थी हर तरीके से उसने हमारा मदद किया था पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब हमें परीक्षा देना था तब भी आर्थिक और मानसिक रूप से रमा हमारे साथ खड़ी रही थी चट्टान की तरह और इसने एक सेकंड नहीं लगाया उसके एहसानों को ऐसा मटिया मीट करने में अरे
करिश्मा सिंह, अगर आपकी और रमा की दोस्ती इतनी ही गहरी है तो उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसे उसे एहसान कहकर इतने खूबसूरत जज्बात का मलियामेट मत कीजिए। देखिए करिश्मा सिंह, दोस्तों में रूठना, मनाना, नाराजगी, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब होता रहता है। दोस्त आपसे भले ही कितने दूर चले जाए लेकिन हमेशा आपके दोस्त ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, रमा हमेशा आपकी दोस्त रहेगी। आप जाइए और बात कीजिए उससे, सारी गलतफहमी दूर कर लीजिए। फोन किया था उसको लेकिन वो बात नहीं करना चाहती है। ओ, एक काम कीजिए, आप सीधा उनके घर चले जाइए और जैसे ही वो दरवाजा खोले उनके गले लग जाइए, सारे गिले शिकवे दूर कीजिए, सारा मन मुटाव, सब कुछ तभी के तभी खत्म। अरे वो दोस्त है आपकी, और दोस्तों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी ना लेना पड़ता है। हमें लगता है वो भी आपका इंतजार कर रही होगी। नमस्ते जी। प्रबोध, ये आओ जरा, देखो पुलिस आई है। देखिए घबराइए नहीं आप, हम पुलिस हैं लेकिन पुलिस की हैसियत से नहीं आए हैं। हम करिश्मा सिंह है और हमें SHO हसीना मलिक। नमस्ते। वो हम रमा के दोस्त है, रमा यही रहती है ना? हाँ, क्यों, क्या काम है? वो हमारी दोस्त है, हम उससे मिलने आए हैं, आप उसको बुला देंगे? उसे कहिएगा कि कानपुर वाली करिश्मा सिंह आई है। आप कानपुर से आई है? नहीं नहीं, हम कानपुर से नहीं, हम लखनऊ से ही हैं। फिर हम रमा को काहे बताएं कि तुम कानपुर से आई हो? वो क्या है ना कि रमा हमें वैसे पहचानती है। कैसे? कानपुर वाली करिश्मा सिंह। दोस्तों? जी। पुरानी? जी पुराने दोस्त, ट्रेनिंग भी साथ में की है। कौन सी ट्रेनिंग? पुलिस ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग ली है? जी ली है, तभी तो वर्दी पहने देखिए आपके सामने खड़े हैं। तो आपने बताया नहीं? हम, आप मेहरबानी करके रमा को बुला दीजिए। नमस्ते। 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 माफ कीजिएगा, जरा माँ को सवाल पूछने की आदत है, जब शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। आइए ना, आप अंदर आइए। जी मैडम सर। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम नहीं आएंगे, आप जाइए, हम यही इंतजार कर रहे हैं। बैठी बैठी। जी मैं रमा को बुला कर लाता हूँ। जी लखनऊ में कब से हो? जी जब से पैदा हुए हैं तब से। बचपन से? रमा, रमा, कोई पुलिस वाली आई है तुमसे मिलने के लिए, कह रही है कानपुर से करिश्मा सिंह है, तुम्हारी पुरानी जान पहचान है। हम अभी उनको मिलके आते हैं। एक मिनट एक मिनट, ऐसे तुमने कैसे बुला लिया बिना परमिशन के? हमने नहीं बुलाया जी, वो तो खुद ही आई है। ऐसे कैसे यार, कोई भी किसी के घर मुंह उठा के चला आता है। अच्छा अब ऐसा कीजिए, बाहर जाइए और उसको यहाँ से जाने के लिए कहिए, और हाँ अगली बार जब किसी को बुलाए ना तो हमारी परमिशन ले लीजिएगा। क्या कह रहे हैं जी आप, इतने सालों के बाद हमसे मिलने आई है, कैसे कह सकते हैं कि चली जाओ? आपकी परमिशन के बगैर आज तक कुछ किया है क्या हमने? हमारी आपसे विनती है जी, ऐसा मत करिए। करिश्मा ना हमारी बहन से भी बढ़कर है जी, बहन से भी। और जो हम है ना रमा, वो सबसे बढ़कर है, समझ रही है ना? तो मिलना विलना सब बाद में, अभी जाओ और से जाके मना कर दो। चलो ना। शाबाश, लीजिए, ये रही रमा आपकी दोस्त। रमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने कहा था ना हम फोन करेंगे, कहाँ मिलना है हम फोन करके बताएंगे, अभी जाओ तुम यहाँ से। रमा हम बिजी हैं, कहाँ ना। करिश्मा सिंह, कैसा रहा सब कुछ, सब ठीक? नहीं मैडम सर, कुछ कुछ भी ठीक नहीं है, उसने हमसे मिलने से मना कर दिया।
क्या? नहीं, ये रमा नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकती, रमा ऐसी है ही नहीं। उसने हमें इतने दिनों के बाद देखा, उसे इस तरीके का व्यवहार किया उसने हमारे साथ। वो नाराज है हमें समझ में आया, लेकिन बदल कैसे गई इतना? पता नहीं, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई और बात है। वो परेशान है मैडम सर, वो पक्का किसी मुश्किल में है। तुम मेरा व्यू क्यों ब्लॉक करता? सॉरी सॉरी सॉरी। नो वो पागल है। पागल है तू? यो टकली हीरो माई बोला कि वेरी बैड। हाँ वेरी बैड टेस्ट है, लगता नहीं रियल नारियल है। मैं नारियल का बात नहीं करता, मैं रमा का बात करता। रमा का एंग्री अभी भी कंटिन्यू। और करी अम्मा कितना परेशान घूमता पता, मेरी शूटिंग पे भी नहीं जाता। मेरे शूटिंग डेंजर में हो तब मैं शूटिंग से आउट होता, मेरा बॉलीवुड हीरोइन बनने का सपने का पैकअप होता, और तुम्हारा साउथ हीरो बनने का भी पैकअप होता। पैकअप नहीं, मेकअप होता, मैं हीरो बनेगा, हमें रमा को मनाना पड़ेगा। पर मैं कारियामा के फोन से ना रामा का नंबर लेता, मैं उसको कॉल करके मनाता, है ना? पागल है तुम? Why? पर फोन पे नहीं, पर्सनली मनाएंगे। हमें मिल के? पर किधर, कैसे मिलता मैं उसको पर्सनली? कैसे मिलता? सोचो सोचो सोचो। ए कुछ नहीं, जाओ चल। मेरे को बोला कि वो अपना बच्चा को ट्यूशन में लेकर आता था 5 बजे सरदार बाजार में। ओह सो क्यूट, सरदार नहीं सदर बाजार। हां वही वही। किधर होता? इधर पास में ही। सच में? चलो चलो करू। यस पक्का, यही ट्यूशन क्लास होता? हां यही होता। ओके तो रमा भी आएगी अभी, हां बच्चे को लेने। तो जैसे ही रमा आएगी तुम पैर पकड़ लेना, माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देगी और करिश्मा मैडम से सुलह हो जाएगी। मैं बॉलीवुड का हीरोइन बनने के लिए सब करता हूं। रमा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे रमा को डराना नहीं है, मनाना है, सॉफ्टली करो सॉफ्टली। बच्चा बच्चा बच्चा, चुप चाप चुप। यही बच्चा है? हाँ हाँ यही रमा का बच्चा होता। पबलू बेटा का हुआ, चौंक गए? तुम बिना परमिशन लिए अपनी सहेली से मिलने जाओगी? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज से बेटे को क्लास से छोड़ने और लाने के लिए हम जाएंगे, ठीक है? हाँ। आज माँ की जगह हम आए हैं। ये आदमी कौन है, बच्चे से बात कर रहा है? ओह गॉड, मुझे कैसे मालूम होता टकली हीरो तुम कितना क्वेश्चन करता। मेरा 2 दिन में ही आने वाला है, टकली मत बोलो। ओके चलिए सरकार, घर चलिए, चलो। नहीं हमें घर नहीं जाना, हमें पार्क जाना है खेलने के लिए। क्या बात कर रहे हो बबुआ, ये कोई टाइम है पार्क जाने का? अरे चलो घर चलो। नहीं नहीं मैं तो पार्क ही जाऊंगा। देखो कोई जिद नहीं करो, चलो मम्मी हमें छोड़, चलो पार्क। अरे बच्चों को खींच रहा है, किडनैप कर रहे बच्चों को। ओ गॉड अब क्या करें, बिल्लू क्या करता, हम क्या करता? अरे मैं वर्दी नहीं पहनी है तो क्या हुआ, अंदर से तो पुलिस वाले हैं, बचाएंगे ना। हाँ तो एक्शन, एक्शन प्लान तो सुनो। कान इधर करो। ओके हाँ वेरी गुड। वो इधर ही आ रहा है, देखो। अरे चल ना, मुझे नहीं जाना। अरे चल, किडनैपर, बच्चे का किडनैप कर रहे हो, बच्चे को छोड़ दो। अरे छोड़ दो बच्चे को, मारो इसको। ओ, बच्चा मैं तुमको लेकर जाता, मैं बड़ा था, कुछ नहीं होता था। चलो 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 चलो। मम्मी के पास पहुंचाता, मेरे पास तुम्हारा मम्मी का नंबर होता, मैं इसको कॉल करता। देख हेलो जी, मैं करी, हम करिश्मा बोलते हैं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। हमारा बच्चा को कोई किडनैप करने का कोशिश करता। क्या वो ठीक तो है ना, कहाँ है वो? डोंट पैनिक, एब्सोल्युटली फाइन, मेरे साथ है, मैं उसको बचाया। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन आके अपने बच्चा को लेके जाओ, ठीक है? हाँ हम अभी आते हैं।
करिश्मा बनकर जब रमा को उसका बेटा लुटाएगा, रमा खुश, सारा एंगर दूर, रमा करियम्मा को माफ कर देगा, करियम्मा मेरे को, करियम्मा इमोशनली फ्री हो जाएगा और मेरा शूटिंग पे जाएगा। चलो। मैं बच्चा चोर नहीं है, बच्चे के पिता है बे। चोर बिरादरी में भाई होता है, पिता नहीं होता है। तुम्हें लगता होगा इसकी शक्ल से कि ये मुझे बना रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बच्चों को उठा के लेके जा रहा था। अरे उठा कर नहीं, हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे भाई। देखा, खुद कबूल किया, हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। अरे वो तो हम सिर्फ बता रहे हैं भाई। एक मिनट बस हुआ, बहुत कर लिया बकलोली रे, उबला हुआ शेरलॉक होम्स। अब जितना चतुराई है ना, चल के थाना में करना। चल हाथ मत लगाना, आप जानते नहीं है हम कौन है, और लुल्लपुन समझने का मिस्टेक मत कीजिएगा। बता रहे हैं आपको, बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं, नौकरी खा जाएंगे आप लोगों का। अच्छा, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को अब धमकी दे रहे हैं? हाँ, अब किडनैपिंग और धमकी देने की धारा भी लगाएंगे आपके ऊपर। थाने लेकर चलो इन। भोकाल वाली मासूमियत संतोष जी, नादान परिंदो, लेके जाओ इसको। देखिए आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, मेरे बच्चे से पूछ लीजिए। बच्चा? अरे बच्चा कहाँ गया मेरा? अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? बच्चा? अरे मेरा बच्चा, अरे अरे मेरा बच्चा, मेरी बात तो सुनिए, सब पता चलेगा तुमको। अरे करीना कैसे पकड़ कर ले आई है? नहीं नहीं, मैं पकड़ के नहीं लाता। मम्मी मम्मी कब आएगी? अयो अम्मा, इतना बड़ा सुपरस्टार तुम्हारे सामने खड़ा होता और तुम बोलते कि मम्मी कब आएगी। आता तब तक तुम बर्गर, आइसक्रीम, पिज्जा कुछ खाना होता। अरे कौन है ये बच्चा? ये रामा का बच्चा होता। क्या? चोर इसको पकड़ के जाता तो मैं सीधा किडनैपिंग सीक्वेंस में एंट्री मारता और उसको सेव करके यहाँ लाता। देखा, अब सच कह रही है ना, अपने बच्चे को किडनैप होने से बचाया। हाँ मैं सच बोलता, गॉड प्रॉमिस, मैं बचाया। मैं इसकी मदर को भी कॉल करता, जब इसका मदर यहाँ आएगा और अपने बच्चे से मिलेगा तो मुझे रिटर्न में ब्लेसिंग देगा। देखा मैडम सर, सब इसे ना छुई में समझते थे, मगर देखा कैसी शेरनी निकली, फूल सी बच्ची। हाँ तुम्हें बहुत दुआएं मिलेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। प्रणाम पसारो। ओ नहीं, मैं जान पे खेल के जान बचाया, प्रणंग पसारू। अच्छा, अपनी जान पर खेल कर बच्चे की जान बचाई। देखिए मैडम सर, सुनो, सिट सिट सिट, वही करी अम्मा को बता कर रहा था, करी अम्मा मेरे को माफ करता। करी अम्मा, करी अम्मा, करी अम्मा। हाँ इधर है वो बेस्ट फ्रेंड, इधर आता। कौन? रमा। हाँ हाँ, अरे जाओ, गो गो गो। कहाँ है मेरा बउआ? अरे कैसे बउआ? बचाई हमारे बउआ को, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? ये एहसान रहा हम पर तुम्हारा। करिश्मा सिंह, किडनैपर का क्या हुआ? बच्चा चोर वो कहाँ है, कौन है? बच्चा चोर यहाँ है। बेटा? पापा? अरे बेटा, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम? क्या? ये तुम्हारे पापा हैं? संतोष शर्मा, अगर ये इसके पिताजी हैं तो फिर किडनैपर कैसे हुए? कोई अपने ही बच्चे को किडनैप क्यों करेगा? ये दीदी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है। क्या करिश्मा से? करीना, तुम उठाई हमारे बउआ को? ये दुष्कर्म क्यों किया तुमने? का जरूरत कब पड़ गया था तुमको? बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब दो ना। अरे बंद कीजिए अपना नौटंकी श्रीमती जी। अरे बहुत देखे हैं ऐसे सरपंच, और हमें मालूम है कि आप शामिल हैं इस फसाद में। अरे हमने उस दिन मिलने से मना किया था, इसलिए तुम दोनों सहेलियों ने मिलकर ये खेल खेला है ताकि तुम दोनों का भरत मिलाप हो सके। आप ही अपनी इस दरोगा सहेली से कहकर पिटवाई है ना हमें? नहीं नहीं माई कसम, हम सच कह रहे हैं, ये सब झूठे झूठे हमारी बात। अरे शांत रहो, गलती तुम्हारी नहीं है श्रीमती जी, गलती हमारा है, जो जरूरत से ज्यादा आजादी दिया, तुम्हारा बुद्धि फिर गया। आइए घर, अब से तुम्हें घर से निकलने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। चल बेटा। जी सुनिए, सुनिए तो सही। रमा का
करी तू? हमारी जिंदगी का सुख शांति सब छीन लिया, सब बर्बाद हो गया। का मांगे का अब तुमसे? का हम तो उल्टा तुमको बहन मानते थे। अरे थोड़ा बहुत हमें परमिशन मिल जाया करता था, हम अपने बहुआ को स्कूल छोड़ाते थे, ट्यूशन छोड़ाते थे, और आज तुम्हारी वजह से वो भी छिन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ई तोहफा दियो दोस्ती का, उका कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। आराम से। हाँ हाँ, आइए इधर। लगा फिर से उठक बैठक लगा। 10 उठक बैठक करना है तुमको। अगर मटका गिरा तो फिर एक से शुरू होगा, समझी? करो। हम क्या करें? दो माला। आराम। क्या कर रही हैं आप? क्या कर? तुम गलत रखता। हाँ, हमारा ही गलती है मैडम। हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है मैडम, जाने दीजिए ना। नहीं, मोहल्ला में जन्माष्टमी मनाने के लिए जो मटका खरीदा गया था, ये सब वही मटका है सब मैडम। अब सारा इस तरीका से फूट जाएगा तो कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? नया नया खरीदना पड़ेगा मटका। चलो फिर से शुरू हो जाओ। हम उठती हो कि हम उठाए तुमको? खड़ी हो फिर से। अरे एक मिनट, रुक जाओ। मैडम। करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं आप? क्या करवा रही हैं इससे? मैडम सर, ये रोती, ये थर्ड डिग्री टॉर्चर करता मेरे को, बहुत टॉर्चर करता। देखिए करिश्मा सिंह, इसकी वजह से मैडम सर हमारी जिंदगी में बवाल आ गया है, भूचाल आ गया है। एकमात्र हमारी सहेली है जो हमें इतना प्यारी है, उसकी जिंदगी भी इसने खराब कर दी है। माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन रमा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो करीना की वजह से नहीं हो रहा। जी हाँ, रमा पर जो उसके पति ने ये जो पाबंदियां लगाई है ना, वो पाबंदियां पहले से रमा की जिंदगी में थी। हाँ? उसके पति ने आकर बस उन बंदिशों के बारे में उसे याद दिलाया है, उन बंदिशों को अब हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना कि अब रमा उसकी परमिशन के बिना शायद घर का पंखा भी नहीं ऑन कर सकती। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है? वो ये कि आपकी दोस्त रमा जिस जज्बाती गुलामी का शिकार हो चुकी है ना, उन्हें अब इस बात का एहसास तक होना बंद हो चुका है। करीना ने ये सब कुछ नहीं किया है, ये प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में पहले से थी करिश्मा सिंह। उनको बंदिशों में रहने की, पाबंदियों में रहने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि अब उन्हें लगता है कि यही जिंदगी जीने का तरीका है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है, न जाने कितने सालों से। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो इस तरह की गुलामी का शिकार है, और उन्हें पता तक नहीं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि पति की परमिशन से ही जिंदगी जी जा सकती है। पति की दी हुई बंदिशें, रिस्ट्रिक्शंस, यही जीने का तरीका है, यही उसका अधिकार है, और शायद यही उसका प्यार है। प्रॉब्लम्स तो उसकी लाइफ में पहले से थी करिश्मा सिंह, आपको ये बात अब समझ में आई है। तो मैडम सर, हम क्या कर सकते हैं रमा के लिए? कैसे मदद करें हम रमा की? हमको तो सबके बारे में कुछ पता ही नहीं था। कैसे निकाले उसको इस बंदिश से? वो क्या महसूस करती होगी? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैडम सर? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन सच बहुत कड़वा है, और सच ये है कि रमा की मदद हम में से कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ खुद अपने आप की मदद कर सकती है। उन्हें खुद पहले इस गुलामी की गहरी नींद से जागना होगा। वो खुद ही अपनी इन बंदिशों को तोड़ सकती हैं करिश्मा सिंह। जब तक वो नहीं जागेंगी, तब तक आप और हम कुछ नहीं कर सकते। करियम्मा, तुम मेरे शूटिंग पे नहीं जाता? तुम नहीं? क्यों? अब तो सब सॉर्ट आउट होता ना, ऑल इज क्लियर, तो क्यों शूटिंग पर नहीं जाता? क्योंकि शूटिंग का छुट्टी है ना 2 दिन, जन्माष्टमी है ना। ओह, ऐसा होता क्या? फिर ठीक है, थैंक यू। बस वहीं रहो, मतलब तुम जाओ,
बाद में बुलाते हैं तुमको। वन हग। अरे कहा ना नहीं। कहाँ है हमारी चुड़ैल बहू? जागरी की सो रही है। सोता होता ना, पता था। तुम उसकी बात का ना बुरा मत मानो। अरे ऐसे ही है वो, एक नंबर की मनहूस नरपिशाचिनी। वो खून पीने वाली झोंक होती है ना, हाँ एकदम वो। किसी को माने किसी को हंसता खेलता देख ही नहीं सकती वो। देखा नहीं कि बस कलेजे पे ना सांप लौटने लगते हैं उसके। अयो और तो और, हमारा लल्ला जीजू, हाँ उसकी ना सारी खुशियां निगल गई नागिन। क्या बताए तुम, जब से हमारे लल्ला के जीवन में आई है ना, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग्य फूट गए। मगर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो। अब तुम आ गई हो ना, दोनों मिलकर ना उसकी जिंदगी जानुम बना देंगे। तुम क्या करता? कल दोपहर का खाना जो रहेगा ना उसका, उसमें इतनी मिर्च डालेंगे ना कि खाना खाने के बाद पूरा दिन भर ना वो मुंह से बस अंगारे ही छोड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। एक मिनट फिर से दो। ये क्या, ये तुम्हारी जख्म ठीक हो गई? घाव भी नहीं रहा एकदम। चुड़ैल और डायमंड को घाव नहीं होता ना, खून पी लेती है ना। रुक जाइए वरना शूट कर देंगे। क्या हुआ? धन्यवाद करना था आपका हमें। इधर आइए आप यहां बैठिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना, तो कृतज्ञता से हमारा सर भगवान के आगे झुक जाता है कि पता नहीं हमने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका वो हमें फल दे रहे हैं। आपके लल्ला जैसा पति दिया हमें और आप जैसी कमाल की सासुमा हमें मिली है, जिसने आज तक हमें यह एहसास नहीं कराया कि हम इस घर की बहू है। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम शादी करके किसी और के घर पे आए। ऐसा लगा जैसे अपनी माँ के पास आए हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा जीते हैं, जो हमारे मन में आता है हम करते हैं। आप कुछ कहते ही नहीं है हमें। इस बात के लिए हम कभी धन्यवाद नहीं कर पाए थे आपका अम्मा। धन्यवाद माँ, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात। धन्यवाद। उठो हुँ? उठो, यहां बैठो। हम कौन होते हैं तुम्हें कुछ भी देने वाले बेटा? पर ये दिया क्या लगा रखा है तुमने? आपने हमें उड़ने के लिए आसमान दिया, आजादी दी, ये दिया वो दिया। ये तुम्हारी जिंदगी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और किसी का भी नहीं। किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का कि तुम अपनी जिंदगी किस तरीके से जियो। किसी की गुलाम नहीं हो तुम। रिश्ते आजादी के पंख होने चाहिए बेटा, पैरों की बेड़ियां नहीं। बहुत बड़ा और सुलझा हुआ सोच है आपका अम्मा, सच में। शायद हम इस पीड़ा से गुजर चुके हैं इसलिए, और शायद इसीलिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं इजाजत के दायरों की पीड़ा को, इस घुटन को। शादी के बाद हमारे ससुराल में भी हमें इस परमिशन की तकलीफ से गुजरना पड़ा। एक लल्ला के पप्पा ही थे जो खुले विचारों के थे, बाकी घर का माहौल वैसा ही था, एकदम पारंपरिक वाला।
बहू हो, औकात में रहो, दायरे में रहो। छींक मारनी है तो इजाजत ले लो, दाल को छोका लगाना है तो अपनी सास से पहले परमिशन ले लो। यहाँ तक कि लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की परमिशन तक हमें ससुराल से नहीं मिले। ये जो घुटन थी ना, उस घुटन का एहसास बहुत गहरा था। और तब हमने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम हमारी बहू को इस घुटन से, इस पीड़ा से कभी नहीं जाने देंगे। दुनिया का कोई भी रिश्ता उसे कभी उसकी पैरों की बेड़ी नहीं लगने देंगे। और आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ हद तक ऐसा कर पाए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी ही सही हमसे इस बदलाव की शुरुआत तो हुई। अम्मा सब ऐसा कहीं नहीं सोच सकते। वो कहते हैं ना बेटा, खुद का तन जले तभी अग्नि का पता चले। जब खुद के तन में पीड़ा होती है तभी दर्द का असली अनुभव होता है। बाकी सब तो किससे होते हैं। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो, हम खाना लगाते हैं। चलो आज बात कुछ यूं कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं, चल आज ये बात भी साफ कर ले। सवाल ये है कि तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों। तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में सिर्फ इजाजत ही क्यों। तुम्हें नहीं लगता ये जायज नहीं, तेरे हिस्से में सिर्फ तू, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। क्यों ना रिश्ते के इस दोहरे चेहरे की धूल भी साफ कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। सवाल ये है कि मुझे मेरे हिस्से में जीने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत क्यों है, हर रोज तेरी हाँ और ना के बीच घुटते रहने की जरूरत क्यों है। ये सारे कायदे, सारे बोझ मेरे हिस्से में क्यों है, मेरा हिस्सा तेरी तंग दिल इजाजत का मोहताज क्यों है। जब हिस्से बराबर है तो दस्तूर क्यों नहीं, तू भी मेरी इजाजत की घुटन का बोझ उठाने के लिए मजबूर क्यों नहीं। सवाल बहुत है पर असली सवाल तो यही है, मेरे हिस्से में जवाब, तेरे हिस्से में सवाल क्यों नहीं। गजब गजब का लिखी है करिश्मा मैम, एक शेर तो बनता है। क्या बात है करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, आपने तो कमाल की कविता लिखी, हमने अभी अभी पढ़ी। महिलाओं की तकलीफ को, उनकी घुटन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को इतने खूबसूरत शब्दों में पिरोया है कि सच में हम ये तो जानते थे कि आपके अंदर एक प्यारा सा नाजुक सा कवि छुपकर जरूर बैठा है, लेकिन आप इतना खूबसूरत लिखेंगी ये हमारे लिए सरप्राइज था। वेरी गुड करिश्मा मैडम, वाकई में आपकी कविता सारी इतनी वायरल हो गई है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपस में इतना शेयर कर रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मैं एक डिवोर्सी हूँ, लेकिन आज भी वो वक्त याद आता है जब सांस लेने के लिए भी अपनी पति की परमिशन की मोहताज हुआ करती थी। आज अकेली हूँ लेकिन आजाद हूँ। हम भी पढ़ते हैं। एक महिला लिखती है, पिछले 20 सालों से हम अपनी माँ से नहीं मिले, जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उससे मिलने के लिए आज भी हमें पति से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। देख रही मैडम, देश को आजाद हो गए इतने साल हो गए, मगर औरत आज भी इस रूढ़ीवादी जंजीरों से आजाद नहीं हुई है। आज भी उसकी जिंदगी किसी ना किसी की इजाजत के लिए मोहताज है। ए, हाँ ये लो। फोन नहीं, फूल देना। बोलो ना, ऐसा बिल्लू भाई लो। ये मिल नहीं रहा, मिल
अरे बचा के बैलेंस बना के बाबू ने तो गलती से तवा पे गिर गया ना, तो खुद के दुकान पर खुद का कबाब बेचना पड़ेगा। क्या कर रहे तुम जल्दी तुम दबंग सास कैसी हो, कैसी हो दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो, करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल, दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो। क्या हुआ अन्नी विनाड़ी? सब सुनो। हाँ अच्छा ठीक है। देखो एक फैन करियामा का पोएट्री देख के देखो क्या कमेंट करता, वो लिखता कि इतना कड़क नारियल जैसा ऑफिसर का रूप इतना खराब हो सकता है, पता नहीं था वो इतना पति से परेशान हो सकता है, आपका नाम करिश्मा सिंह नहीं करिश्मा दुखी होना चाहिए था। एक मिनट आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इस औरत को ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह ने ये कविता अपनी जिंदगी पर लिखी है, कि वो खुद अपनी जिंदगी से और अपने पति से और अपने घर वालों से इतनी परेशान है कि उन्होंने ये कविता लिख डाली, और ये ना तो सच है और ना ही फनी। हाँ और नहीं तो क्या मैडम सर, इन्हें इन्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ बदनाम तो हमारा गरीब बेचारा लल्ला हो गया ना, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गया, क्या बताएं आपको। मैडम सर मैं बताइए आप सब लोग यहाँ पर खड़ा होकर इससे बात कर रहे हैं, हुआ बाहर बवाल मच गया। मैडम सर आपने कौओं का झुंड सुना होगा, आपने भैंसों का झुंड सुना होगा, आपने सुअरों का झुंड सुना होगा, लेकिन सासों का झुंड, बाहर सासों का झुंड आया हुआ है, पुष्पा जी को खोज रहा है। जान बचा सकती है तो बचा लीजिए, भाग जाइए। दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो, करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल, करिश्मा सिंह सबके सामने भौकाल, पुष्पा सिंह के सामने बेहाल। देखा पड़ गई कलेजी में ठंडक, कर दिया ना नया बवाल थाने में। ये आपके हाथ पैर क्या कम थे जो आप कलम से भी टंटे शुरू कर दिए आपने। देखा क्या कोहराम मचा दिया आपने इस कविता ने। अभी तो बड़े कसीदे पड़े जा रहे थे हमारी कविता की तारीफ में, अभी इस कविता से बवाल हो गया तो आप बौखला रही हैं। हाँ ठीक है, हम बाहर जाके बोल देते कि ये जो कविता है ये हमारा निजी अनुभव नहीं है, ये हमारा विचार है और इसका हमारे सासू माँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हाँ, तो चलिए चलिए। करिश्मा सिंह आप पूछ रही थी ना कि रमा को आजाद कराने का, उसे इस जज्बाती गुलामी से निकलवाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यही सबसे अच्छा मौका है उसे उसकी नींद से जगाने का। एक मिनट मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। एक प्लान है हमारे दिमाग में। प्लान? पर आपने तो कहा था कि उसका कोई मदद नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, रमा अपनी मदद खुद ही कर सकती है, उसे इस बात का एहसास तो करा सकते हैं कि उसके साथ इतने सालों से जो हो रहा है वो कितना गलत है। परमिशन और शेयरिंग के बीच का फर्क हम उसे समझा सकते हैं, और उसके साथ साथ जितनी भी औरतें हैं जो इस तकलीफ से न जाने कितने सालों से गुजर रही हैं, उन सबको भी उनकी नींद से जगा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम सर। अब पुष्पा जी और करीना आप आइए हमारे साथ। नहीं आप नहीं, सिर्फ पुष्पा जी और करीना। ओके तो सुनिए, समझ गए? जी मैडम। ओके चलिए। दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो, दबंग सास कैसी हो, पुष्पा सिंह जैसी हो। शान शान शान, क्या है ये सब? ऐसा क्या किया है हमने जो आप लोग हमें इतना सम्मानित कर रहे हैं? अरे क्या किए आप? आपने जो किया है वो हम सब सांसें मिलकर भी 7 जन्म तक नहीं सोच सकती। वैसे तो हम अपने घर की छोटी मोटी साधारण बहू को संभाल ही रही है, लेकिन आपने तो चलती फिरती भोकाल देवी करिश्मा सिंह को संभाला है, इतना तो सम्मान बनता ही है ना। अच्छा ये बात बताइए, कैसे कर लेती आप ये असंभव काम? अरे ऐसा कोई मंत्र मंत्र नहीं है। हाँ सच कह रहे हम। अरे वो तो सिर्फ घर के बाहर शेरनी है, घर के अंदर की शेरनी जो है ना वो हम है हम। अरे वो तो हमारे सामने बकरी है बकरी, बकरी का है कि बिल्ली है बिल्ली, वो भी भीगी बिल्ली। क्या बोल दिया आपने इनको करने के? देखिए तो पूरा मत मानिएगा बहन जी, मतलब शेर काबू में है, और ये तो जब पता लगेगा जब रिंग मास्टर उसे खुद
सबके सामने लाश रचाएगा, है कि नहीं बहनों? अभी नमूना दिखा देते। लो आ गई, आ गई। ऐसे कैसे आ गई? हमने इजाजत दी थी तुमको बाहर आने के लिए, कहा था ना हमने कि जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम अपनी जगह से हिलोगी भी नहीं, तो फिर क्यों आई तुम बाहर? सॉरी। कहा जा रही हो? हमने कहा तुमको जाने के लिए, और वो कविता, हाँ क्या थी वो कविता, क्यों थी वो कविता? लिखी तो लिखी ऐसी कविता जिसमें हमारा लल्ला यानी कि तुम्हारा पति खलनायक नजर आ रहा है, उसका हिसाब आज करेंगे। सॉरी, वो हमसे गलती हुआ, हमें कविता पढ़ा हमने तो ओवरफ्लो होके लिखा। अब नहीं करता मैं ऐसा, अब नहीं करेगा। किसकी इजाजत से तुमने वो कविता लिखी बताओ हमें, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और बराबर मिलेगी। नहीं, हमको सजा मत दो, हम तुम्हारा बाऊ, तुम्हारे बेटे के कलेजे का टुकड़ा। हम बहुत बहुत मन था ना तुम्हारा कि तुम दही अंडी की मटकी फोड़ो। पिछले एक महीने से तुम हमारा दिमाग खा रही हो, हमसे इजाजत मांग रही हो कि तुमको वो दही अंडी की मटकी फोड़नी है। तो जाओ, नहीं देते। जो भी देना है इत्मीनान से खड़ा रह के दीजिए ना जी। नहीं देंगे। ठीक ठीक, नहीं देंगे हम तुमको इजाजत मटकी फोड़ने की। और कल तो तुम यहाँ दिखना भी मत। यही सजा है हमारी बहुओं की, है कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कल जन्माष्टमी है और कल हम सासे मिलकर जन्माष्टमी का महोत्सव देखेंगे। कल कोई भी बहू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, क्यों बहनों? नहीं निकलेगी। मैडम सर, हमसे नहीं रहा क्या? ये गलत है मैडम सर, हमारे इतने सालों का मेहनत, इतने सालों की कमाई हुई इज्जत पे एक सेकंड में उस दिवाली की फुलझड़ी ने सब कचरा कर दिया, सिर्फ झाड़ू लगा दिया उसने। हमारा भौकाल तो एकदम खराब हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है करिश्मा सिंह, जैसे ही केस सॉल्व हो जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये सब सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए एक नाटक किया था। आपका भौकाल भी बरकरार रहेगा, आपकी इमेज को भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। करिश्मा सिंह, आप ये सोचिए कि आपकी वजह से न जाने कितनी औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगी, अब कितनी लड़कियों की जिंदगी बदलने वाली है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैडम सर, इस बार आपका अगर पड़ाव असफल होता है तो आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज दांव पे लगा दिया है? हमारा इतने सालों का कमाई हुई इज्जत आपने दांव पे लगा दिया मैडम सर। नहीं, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ हमारा बात। ये व्यक्तिगत नहीं है मैडम सर, हम अपना नहीं सोच रहे हैं, हमें अपना परवाह ही नहीं, हमें उन लड़कियों का परवाह है जो हम जैसी पुलिस अधिकारियों को देखकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखती है मैडम सर, अपनी सीमित साधनाओं से निकलकर कुछ कर दिखाने का हिम्मत करती है। अगर वो मैडम सर हमें ऐसे गिड़गिड़ाते हुए और मिमियाते हुए देखेंगे तो उनका सपना एक सेकेंड में टूट जाएगा। इतना हिम्मत जो वो बनाएंगी ना, वो सब टूट जाएगा मैडम सर। अगर ये पड़ाव में अगर आप असफल होती है ना मैडम सर, तो ये सिर्फ आपकी असफलता नहीं होगी, ये हर उन लड़की की असफलता होगी जो हम जैसी निडर पुलिस अधिकारियों से हर परिस्थितियों में लड़के जीतने का जज्बा सीखती है मैडम सर। चलते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद।
हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण कन्हैया, आपका जन्म कारागृह में हुआ था, फिर भी आपने स्वयं को कभी किसी बंधन में नहीं बंधने दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप भगवान कृष्ण हैं। किसी एक के कैसे हो सकते हैं, कण कण में समाए। दुनिया को भी उनके भीतर भटके हुए विचारों के कारागृह से मुक्त कीजिए, उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, सही मार्ग दिखाइए, आशीर्वाद दीजिए कि कल जो प्रयास हम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो और सदियों से चली आ रही इस भटकी हुई विचारधारा को सही दिशा दिखा सके। जय हो मुरलीधर, जय जयकार हो आपकी। माँ, कब फोड़ेंगे? आ गए, आ गए, आ गए। ये देखो दही अंडी। पुष्पा जी, अरे आपने हमें बुलाया और हम आ गए, बड़ी लाजवाब लग रही है। शुक्रिया। नहीं नहीं, ये आप हमसे कहिए, हमें देखकर ये कहिए कि हम लाजवाब लग रहे हैं। हाँ, आप भी अच्छी लग रही हैं। नहीं, लाजवाब, लाजवाब लग रही हैं। आप भी बहुत गजब लग रही हैं। आप भी गजब लग रही हैं। नहीं नहीं, ये हम आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत गजब लग रही हैं। शुक्रिया। हाँ तो पुष्पा जी, सारी तैयारियां हो गई है, चलिए तो मटकी फोड़ते। आज आप लोग नहीं, बहुएं मटकी फोड़ेंगी। लगता रात भर की नींद नहीं मिली है मैडम जी आपको, दिन में भी सपने देख रही हैं आप, वो भी खुली आंखों से। अरे असंभव को संभव करने के लिए ऐसी कोई छड़ी बनी ही नहीं है दुनिया में। वैसे हम सब ने तो अपनी बहुओं को घर से निकलने की परमिशन ही नहीं दी, तो आप ये बताइए कि ये हांडी फोड़ेगा कौन? असंभव को संभव करने के लिए बस तीन चीजों की जरूरत होती है, फैसला, इरादा और जिद। और इन तीनों चीजों से हम आपको आज रूबरू कराएंगे, वो भी आपकी आंखों के सामने। हैं? शुरुआत हो चुकी है, एक बहू अपने घर से निकल चुकी है। संतोष शर्मा, हम करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने अपने संदेश में कहा था कि सूरत बदलनी चाहिए, तो आज इस प्रयास की दिशा में पहला कदम हम खुद उठाते हैं। आज से हम खुद इस भावनात्मक बंदिशों से खुद को मुक्त करते हैं। आज से हमारे जीवन की सीमाएं हम खुद तय करेंगे, कोई और नहीं। आज से हमारे जीवन पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, किसी और का नहीं। आज से हमारा व्यक्तिगत किसी की परमिशन पर निर्भर नहीं होगा। तो इस बदलाव की ओर हम कदम उठाते हैं, जा रहे हैं थाने मटकी फोड़ने और सदियों से चलती आ रही इस परमिशन नाम की परंपरा को तोड़ने। जो हमारे साथ हो वो अपने घर से निकले और हमारा इस बदलाव की लड़ाई में साथ दे। याद रखिएगा, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। पुष्पा जी, ये देखिए, देखिए आपकी बहू को क्या कह रही है, देखिए। कहाँ, तुम किधर आ रही हो? मैं भी आएगा तुम्हारे साथ उधर मटकी फोड़ने? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं आ रही हो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। सॉरी करियम, पर अभी जो तुम इतना एनर्जेटिक और इतना हॉट स्पीच दिया ना, वो मेरे को इन्फ्लुएंस करता। अब मेरे को भी कोई किसी का परमिशन का जरूरत नहीं होता, मैं भी जाएगा मटकी फोड़ने। मैं फ्री सोल, मैं भी फ्री वुमेन, मैं जाएगा। जी जी, 5 मिनट का परमिशन नहीं मिलेगा। सुनिए, हाँ
निकलने के लिए, और ये भी कहा था ना कि यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, और मटकी फोड़ने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, सपना भी मत देखना, फिर क्यों यहाँ चली आई? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। कुछ तो फूटेगा आज सासू अम्मा, या तो ये मटकी या फिर हाँ हाँ ठीक है करो, तुमको जो करना है, हमें क्या है? पुष्पा जी क्या बोल रही हैं यहाँ पर? अरे तुम्हारी सास तो फुसकी बम निकली। हमारी बहू में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी खींची हुई रेखा के बाहर भी कदम रखे। अरे देखना ये मटकी ना तुम्हारी बहू ही अकेली फोड़ेगी, नक्चड़ी देखना। मैडम सर हमारा इतना कोशिश करने पर भी देखिए कोई नहीं आ रहा है। ये बहुत ही पुरानी और मजबूत सदियों से चलती आ रही परंपरा की बेड़ियां है मैडम सर, जो इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। अपना फोन दीजिए। संतोष शर्मा आइए। संतोष शर्मा करिश्मा सिंह की प्रोफाइल से लाइव स्ट्रीम शुरू कीजिए, अभी जल्दी। रेडी। नमस्ते, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और आज एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता के साथ आप सब से मुखातिब हैं। तो शुरू करें? चलो आज बात कुछ यूं कर लें, अपने अपने दायरों का हिसाब कर लें। तेरे हिस्से में कितना तू आता है, मेरे हिस्से में कितनी मैं, चल आज ये बात भी साफ कर लें। तेरे हिस्से में जवाब ही क्यों, मेरे हिस्से में सवाल ही क्यों, तेरे हिस्से में कहना ही क्यों, मेरे हिस्से में पूछना ही क्यों, तेरे हिस्से में पूरी मर्जी तेरी, मेरे हिस्से में सिर्फ तेरी इजाजत ही क्यों। तुम्हें नहीं लगता कि ये जायज नहीं? तेरे हिस्से में सिर्फ तू, मेरे हिस्से में पूरी मैं भी नहीं। क्यों ना रिश्तों के इस दोहरे चेहरे की धूल भी साफ कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। सवाल ये है कि मुझे मेरे हिस्से में जीने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत ही क्यों है? हर रोज तेरी हाँ या ना के बीच घुटते रहने की जरूरत क्यों है? ये सारे कायदे, ये सारे बोझ मेरे हिस्से में ही क्यों है? मेरा हिस्सा तेरी तंगदिल इजाजत का मोहताज क्यों है? जब हिस्से बराबर हैं, तो दस्तूर क्यों नहीं? तू भी मेरी इजाजत की घुटन का बोझ उठाने के लिए मजबूर क्यों नहीं? सवाल बहुत है, और असली सवाल तो यही है ना, मेरे हिस्से में जवाब और तेरे हिस्से में सवाल क्यों नहीं? चल आज हिस्से बदल कर इंसाफ कर ले, अपने अपने दायरों का हिसाब कर ले। मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा, ये सन्नाटा इस बात का गवाह है कि जो लकीर हमने अपने बहू के आगे खींची है ना, वो कभी उसे पार नहीं करेगी। जिस बदलाव की आप उम्मीद कर रही है ना मैडम, वो कभी नहीं होगी। भूल जाइए इस बात को मैडम, भूल जाइए। आ गए आ गए आ गए। देखिए हम मटकी कैसे फोड़ते हैं। पुष्पा जी आप
रमा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, नीचे उतरो वरना उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अच्छा, थाने के बाहर खड़े होके एक महिला को धमकी दे रहे हैं आप? ऐसी धारा लगाएंगे ना कि सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। आप प्लीज चुपचाप यहाँ पर खड़े रहिए और जैसे मटकी फूटेगी ना ताली बजाना, ठीक है? Come on! प्रबोध, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। इतने सालों बाद जब बेड़ियों के ऊपर की धूल साफ हुई है, गुब्बार उठा है तो आंखों पर तो चुभेगा ही। उम्मीद करते हैं कि अब ये बेड़ियां सिर्फ साफ नहीं होंगी, टूट भी जाएंगी और औरतों की आजादी के मायने बदल भी जाएंगे। बदलने भी चाहिए, तभी तो होगा ना सही तरीके में वक्त का तकाजा। आपने बहुत छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया मैडम, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा बवाल बना दिया है। दर्द वही जो अपने जख्म से निकले, आप चाहे भी ना तो वो दर्द, वो तड़प, वो सफोकेशन के बारे में समझ भी नहीं सकते जो आज भी न जाने कितने घरों की औरतों को महसूस होता है और न जाने कितने सालों से महसूस होता आ रहा है। जब खुद पर बीतती है ना तभी समझ में आता है। आप ये बताइए कि अगर आपको अपने किसी दोस्त से या अपने ही घर वालों से या किसी से भी मिलने के लिए अपनी पत्नी की परमिशन लेना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? दिन, हफ्ते, साल लगातार उसकी गुलामी करके रहना पड़े, उसकी परमिशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी पड़े तो खून नहीं खोलेगा? मन नहीं करेगा कि ये सारी बेड़ियां तोड़कर हम आजाद हो जाएं? और आप, हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि हमें इस बारे में आपसे बात करनी भी पड़ रही है, क्योंकि आपके साथ भी तो सालों पहले आपकी सास ने वही बर्ताव किया था ना जो आज आप अपनी बहू से कर रही हैं। तो फिर आपको तो ऐसे में खुद समझ में आना चाहिए, आप तो उस दर्द से गुजरी हैं, आपको तो खुद कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बहू का साथ देना चाहिए इस लड़ाई में। खुद भी जागी और दूसरों को भी जगाई। इस बात को समझ लीजिए कि आजादी से जीना ही जीने का सही तरीका है। सिर्फ देश आजाद हो जाने से हम सब आजाद नहीं हो जाते। जब तक हमारी सोच आजाद नहीं होगी तब तक इंसान की तरक्की नहीं होगी, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। आपने जो हम सबके लिए किया है हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके लिए तो ये बनता है। क्या हो रहा है?
वो शर्मा रही बताने में. नहीं नहीं शर्मिंदा हो वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे मैडम से. क्या? हाँ वो देखे वहाँ पे सामने कैमरा रिकॉर्डिंग चालू है. हम लेकर आते हैं मैडम सर. ये 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 लीजिए मैडम सर. देखिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, पुराने गाने पर ऐसे बस ऐसे ही वीडियो बना रहे थे. देख लीजिए आप. बिजली चली गई? अरे थाने का बिजली का बिल बकाया है तो बिजली विभाग से लोग आए और उन्होंने अपना मीटर काट के लेके गए. क्या मतलब? मतलब बिजली काटी है, मीटर लेके चले गए. एक मिनट संतोष शर्मा, बिजली का बिल नहीं भरा है पिछले 2 महीनों से? फंड ही नहीं है थाने के अकाउंट में और रिक्वेस्ट डाली है पर कोई सुने तब ना. अच्छा ठीक है, कितना है बिल 2 महीने का? अब 2 महीने का कुछ 3,500. अच्छा ठीक है, ये लो कुछ, ये लो 4,000. जाकर बिजली का बिल भर के आना है. ठीक है ठीक है. मैडम सर वो क्या? नहीं बिजली बिल भरने के लिए बिजली को भी अगर साथ में लेकर चले जाते तो बड़ा अच्छा लगता. हाँ मैं आ रहा हूँ सर. अरे लालटेन नहीं चाहिए, बिजली को नहीं नहीं मतलब बिजली बिल जमा करने जा रहे हैं, रेड मारने थोड़ी जा रहे हैं कि साथ में कोई चाहिए, अकेले काफी है मैडम सर. बाय चीते. बाय. बिल लीजिए. क्या हुआ? ये बिल तो लाना भूल गए. नहाने जाएं और तौलिया भूल जाएं, ये बात समझ में आता है भाई साहब? वाह क्या बात है सर. नाच दो ना, कव्वाली कर रहे हैं, शेर मार रहे हैं, नाच दो. सॉरी. वाह क्या बात है सर. सॉरी सर. अब बिल भरने आए हैं और बिले भूल गए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे बिल लाना भूल गए तो क्या बात हो गया, ये मोबाइल में है ना पिछला महीने का बिल है, इससे आप मैच कर लीजिए. सॉल्व. भरी चाचा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ मतलब ज्यादा क्या हो गया, तभी तो भरने आए हैं. सारा आज ही भरेंगे? अरे सारा भरना है तभी तो आए हैं चाचा, तभी तो आप हमारे थाना में बिजली दीजिएगा ना. भरिए ना जी. आप कैसे भरेंगे, कैसे या चेक से? ले इतना छोटा सा अमाउंट के लिए अब हम चेक लेकर घूमते हुए फिरे, कैश भरेंगे भाई? कैश लेकर आए हैं, जेबे में है. जेब में? हाँ हाँ जेबे में है, पासे में है. पर 6 करोड़ गिनने में तो घंटों लग जाएंगे भाई साहब. 6 करोड़ चाचा? 6 करोड़? 6 करोड़ ना तो हम आपके साली है ना आप हमारे जीजा है, तो मजाक कहाँ कर रहे हैं आप. 6 करोड़ बिल कैसे हो सकता है? हमारे थाना में ना तो कोई फैक्ट्री है ना विंडमिल चलता है, 6 करोड़ कैसे बिल हो सकता है? आप देखिए ध्यान से. अरे भाई साहब हम मजाक काहे करेंगे आपसे, जो यहाँ दिख रहा है अमाउंट वही आपको बता रहे हैं, 6 करोड़ बिल है आपका. हम खुद ही टेंशन में आगे कैसे मैनेज करें? 6 करोड़ रुपया कैसे हो सकता है सर? हम अपने थाने का बिल भरने आए हैं, पूरा प्रदेश का नहीं. हमको पूरा यकीन आपके कंप्यूटर में ना कोई गलती हुआ होगा, आप एक बार चेक कीजिए आपको पता चलेगा. भाई साहब ये आपके थाने का बिल है 6 करोड़, ये देखिए